Hello everyone, in the previous video we have discussed a topic that is of combination of lenses, and now we will start another topic that is of refraction through a prism. So prism mein refraction kaise hoti hai usko discuss karenge. So for this consider a prism. Humne ek prism liya hai, that is A, B and C. We have taken a prism. अब ये क्या है, एक P पॉइंट है जिसमें से मीन्स ऑब्जेक्ट है जिसमें से रे क्या करी, इंसिडेंट करी. तो फर्स्टली देखो, ये जो प्रिज्म है इसका जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है दैट इज एन टू, और जो आउटसाइड मटेरियल है उसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है एन वन, इसका भी एन वन. अब दिस इज डेंसर मीडियम एंड आउटसाइड देर इज अ रेयरर मीडियम. आउटसाइड द प्रिज्म, जो प्रिज्म है वो डेंसर मीडियम है, तो P पॉइंट से ऑब्जेक्ट से रे यहाँ पे Q पॉइंट पे इंसिडेंट करी. तो दिस इज अ नॉर्मल रे. अब नॉर्मल रे ड्रॉ कर ली हमने, एंड नॉर्मल और इंसिडेंट रे जो है इसके बीच में एंगल क्या होगा, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो अब रे क्या करेगी, फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, फ्रॉम रेयरर टू डेंसर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो ये बेंड करेगी लाइट, एंड देन फर्स्ट फेज प्रिज्म की एक फेज मीन एक साइड ए बी से तो इसने रिफ्रेक्शन कर ली. अब ये लाइट क्या करेगी, ये रे ऑफ लाइट ए सी फेज पे प्रिज्म के सेकंड वाले फेज पे भी फॉल कर गई, एंड उसी फेज पे हमने क्या नॉर्मल ड्रॉ कर लिया. एंड तो अब लाइट जाएगी फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, डेंसर टू रेयरर, देन इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल को बेंड कर दी इसने, क्या आर एस वाला जो पाथ था वो फॉलो किया. तो देखो ये यहाँ से लाइट क्या कर गई, रिफ्रैक्ट. सो एंगल ऑफ क्या होगा, रिफ्रैक्शन आएगा रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल क्या आएगा, आर वन. एंड दिस इज ऑल्सो रिफ्रैक्टेड एंगल क्योंकि लाइट ने अगेन रिफ्रैक्शन करी. सो दिस इज आर टू एंगल, एंड दिस एंगल ये रे क्या कर गई, पहले रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करी, देन उसने रिफ्रैक्शन शो करी, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन द रे ऑफ लाइट इमर्जेस आउट ऑफ द प्रिज्म, मीन्स वो प्रिज्म से बाहर आ गई. So this is the emergent ray. RS is emergent ray. This is PQ is incident ray and QR is refracted ray. So the angle between normal and emergent ray, that is small e. Remember PQ is incident ray, QR is refracted ray and RS is emergent ray. तो हमें क्या होगा? तो जब हम इन दोनों rays को incident ray और ये जो emergent ray, इनको backward produce करेंगे और इनको meet करवाएंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, इन दोनों के बीच में जो एंगल आएगा दैट इज द एंगल ऑफ डेविएशन. क्योंकि देखो ये जो इंसिडेंट लाइट थी उसे ये वाला पाथ फॉलो करना चाहिए था, स्ट्रेट पाथ, बट हमने क्या किया, मीडियम चेंज किया. अब मीडियम चेंज किया तो लाइट क्या करेगी, रिफ्लेक्शन शो करेगी ना, सो दैट्स व्हाई वो अपने ओरिजिनल पाथ से बेंड कर गई. तो अब जब हम इन दोनों को बैकवर्ड प्रोड्यूस करके ज्वाइन करेंगे तो ये जो एंगल होगा दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन, डेल्टा जिसे हम बोलेंगे, दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन. इन दोनों रेज को जब हमने क्या प्रोड्यूस किया, बैकवर्ड प्रोड्यूस किया, तो लाइट ने अपने ओरिजिनल पाथ से कितनी डेविएट कर गई, तो वो कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ दिस एंगल ऑफ डेविएशन दैट इज डेल्टा. ऑलराइट, तो अब देखो हमारे पास ये क्या है, कोऑर्डिनेटर बन रहा है ना, ए क्यू एन आर. ए क्यू एन आर इज कोऑर्डिनेटर. तो इन कौन सा क्वाड्रिलेटर है, ए क्यू एन आर. ये जो मुझे क्यू पॉइंट है और आर पॉइंट है, यहाँ से नॉर्मल रेज पास हो रही है, तो नॉर्मल रेज है तो मीन्स यहाँ पे क्या एंगल बनेगा, यहाँ पे भी 90 और आर पॉइंट पे भी 90 एंगल बनेगा. तो अगर इन 90 प्लस 90 मीन्स 180 हो गया, और वही नो कि क्वाड्रिलेटर में जो जितने भी एंगल्स हैं उनका सम कितना होना चाहिए, 360 के इक्वल होता है, और 360 में से ये 90 और 90 दैट इज 180 माइनस कर दो तो कितना आएगा, 180. तो इट मींस ये जो क्वाड्रिलेटर है इसके जो एंगल्स हैं दैट इज एंगल ए और एंगल क्यू एन आर, इन दोनों का सम क्या होगा, 180 होगा. इसे आप सॉल्व करके भी देख लेना, यही आएगा, इनका सम आएगा 180 डिग्री. सो दैट इज फर्स्ट थिंग. एंड नाउ इन ट्रेंगल क्यू एन आर, तो अब हम ये वाली ट्रेंगल ले रहे हैं, क्यू एन और आर वाली ट्रेंगल. इन ट्रेंगल क्यू एन आर, क्यू एन आर ट्रेंगल जो है, अब इसमें क्या आएगा, दैट इज
आर वन प्लस आर टू और ये जो एंगल है क्यू एन आर, इनका सम किसके इक्वल होता है? ट्रायंगल में जो उसके एंगल्स होते हैं उनका सम, दैट विल बी इक्वल टू 180 डिग्री, राइट? तो यहाँ पे जो एंगल है दैट इज एंगल आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल क्यू एन आर, इनका सम किसके इक्वल आएगा? 180 डिग्री के. एंड नाउ टेक इट एज फर्स्ट इक्वेशन एंड नाउ टेक दिस एज सेकेंड इक्वेशन. नाउ वी विल कंपेयर दीज टू इक्वेशन, दिस फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन. एंड नाउ तो देखो इनको कंपेयर करेंगे तो इनकी जो राइट हैंड साइड है दैट इज इक्वल. फर्स्ट एंड सेकेंड को कंपेयर करोगे तो देयर राइट हैंड साइड इज 180 डिग्री, वो तो सेम है. तो अब हम लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करेंगे, दैट इज एल एच एस को कंपेयर करेंगे. तो क्या आएगा? फ्रॉम बाय कंपेयरिंग वन एंड टू, उनकी लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर करके, दैट ए प्लस एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर दैट विल बी इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस एंगल क्यू एन आर. एंड फ्रॉम बोथ साइड्स क्यू एन आर विद कैंसल आउट विद क्यू एन आर, ये दोनों एंगल्स तो कैंसल हो गए. एंड नाउ वी आर लेफ्ट विद दैट आर वन प्लस आर टू दैट विल बी इक्वल टू ए. टेक इट एज थर्ड इक्वेशन. तब हमारे पास क्या एक एक्सप्रेशन आया, दैट आर वन प्लस आर टू दैट विल बी इक्वल टू एंगल ए. सपोज दिस पॉइंट एज एम पॉइंट. तो अब एंगल, अब हम ट्रायंगल लेंगे एम क्यू आर. तो इन ट्रायंगल एम क्यू आर क्या आएगा? देखो इसके इंटीरियर एंगल कौन से हैं? डेल्टा वन एंड डेल्टा टू, ये दोनों इंटीरियर एंगल है एंड डेल्टा इज एक्सटीरियर एंगल. तो इनका जो एक्सटीरियर एंगल होगा दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स. सो इन ट्रायंगल एम क्यू आर दैट डेल्टा विल बी इक्वल टू डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, दिस इज एक्सटीरियर एंड दीज टू आर इंटीरियर एंगल्स. एंड टेक दिस इक्वेशन एज फोर्थ इक्वेशन. एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ आर वन और आर टू, इनकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी है और इस थर्ड इक्वेशन में पुट करनी है. तो फर्स्टली देखो यहाँ पे ये जो एंगल आए हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये किसके इक्वल है? दिस डेल्टा वन प्लस आर वन. तो एंगल आए किसके इक्वल है? डेल्टा वन प्लस आर वन. एंड ये जो इमर्जेंस एंगल वो किसके इक्वल है? दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा टू प्लस आर टू. सो द एंगल ई विल बी इक्वल टू डेल्टा टू प्लस आर टू. तो अब हम यहाँ से R1 और R2 की वैल्यूज को इवेल्युएट करेंगे. तो क्या आएगी यहाँ से? R1 विल बी इक्वल टू I माइनस डेल्टा 1 और R2 की वैल्यू क्या आएगी? दैट विल बी E माइनस डेल्टा 2. और इन दोनों वैल्यूज R1 और R2 की वैल्यूज को अब हम थर्ड में पुट करेंगे, आएगा I माइनस डेल्टा 1 प्लस आर टू दैट इज ई माइनस डेल्टा टू दैट विल बी इक्वल टू ए. ओके तो देखो अब यहाँ से क्या आएगा, आई प्लस ई को तो हम ठीक है यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस, अब हम कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू, क्योंकि माइनस हमने कॉमन ले लिया, दैट विल बी इक्वल टू ए. एंड नाउ फ्रॉम फोर्थ इक्वेशन डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू ये किसके इक्वल है? डेल्टा के इक्वल है फ्रॉम दिस फोर्थ इक्वेशन. तो हम डेल्टा वन प्लस डेल्टा टू को अब हम डेल्टा पुट करेंगे एंड देन वी आर लेफ्ट विद आई प्लस ई माइनस डेल्टा दैट विल बी इक्वल टू ए. एंड इसको अब हम किसकी वैल्यू फाइंड करनी थी? ये जो एंगल ऑफ डेविएशन की, डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी? दैट विल बी इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए. This is the final expression. Delta will be equal to I plus E minus A, where delta is angle of deviation, I is incidence, angle of incidence, E is angle of emergence, and A is angle of prism. So from this equation, we can conclude that angle of deviation depends upon angle of this incidence, that is small I. So experimentally. तो अब हमें कर्व दी हुई है किसके बीच में? सो दिस इज द डेविएशन, मींस डेविएशन एंगल, दैट इज डेल्टा और एंगल ऑफ इंसिडेंस के बीच में रिलेशन दिया है. बिकॉज हमने जो लास्ट में कौन सा रिलेशन ड्राइव किया था, दैट एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा विल बी इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, जिसमें से हमने कंक्लूड किया था दैट
एंगल ऑफ डेविएशन विल डिपेंड अपॉन एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अब हम इसकी डेविएशन शो करेंगे, तो जब हम इसके ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो कुछ इस टाइप की उसकी कर्व बनेगी। जो डेल्टा है इसकी वैल्यू ना मिनिमम आएगी, किस पॉइंट पे मिनिमम आएगी, जब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल होगा। इस पॉइंट पे जो एंगल होगा डेविएशन का उसकी वैल्यू क्या आएगी, मिनिमम आएगी। दैट एट आई इज इक्वल टू ई डेल्टा विल बिकम डेल्टा मिनिमम। जो डेविएशन होगी वो बहुत मिनिमम हो जाएगी इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू इमरजेंस एंगल। एंड अगर ये जो आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री होगा तो ये डेल्टा होता है ना इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो जाती है। बट हम ओनली मिनिमम वाला केस लेके चलेंगे। एंड नाउ वी नो कि जो हमने कौन सा फॉर्मूला डिराइव किया था, दैट डेल्टा विल बी इक्वल टू आई प्लस ई माइनस ए, ये फॉर्मूला था। अब इसमें हम ये वाली कंडीशन अप्लाई कर देंगे कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको हम इमरजेंस एंगल के इक्वल पुट कर देंगे। तो अब उसके लिए अब हम डेल्टा मिनिमम की वैल्यू को फाइंड करेंगे। यहाँ पे डेल्टा मिनिमम आ जाएगा, दैट इज डेल्टा एम से जिसे हम डिनोट कर रहे हैं मीन्स डेल्टा मिनिमम। तो डेल्टा एम विल बी इक्वल टू आई प्लस आई, इमरजेंस एंगल विल बी इक्वल टू इंसिडेंस एंगल माइनस ए। ओके, तो यहाँ से क्या आएगा, डेल्टा एम विल बी इक्वल टू टू आई माइनस ए। यहाँ से टू आई की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो डेट विल बी टू आई विल बी इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम। और ये जो आई की वैल्यू फिर क्या आ जाएगी, ये जो टू है वो डिवाइड हो जाएगा तो ए प्लस डेल्टा एम बाई टू। तो ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू आ गई। टेक इट एज फिफ्थ इक्वेशन, टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ वी अप्लाई स्नेल्स लॉ। सो अप्लाई स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ को हम दो पॉइंट पे अप्लाई करेंगे। प्रिज्म की डायग्राम हमने ड्रॉ करी थी, अब उसको ध्यान से देखना। वहां पे जो ऐसे पॉइंट है ना, Q पॉइंट और R पॉइंट। ओके, तो ये जो Q पॉइंट पे और R पॉइंट पे अब हम स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस था एंड दिस इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे एट पॉइंट Q पे जब हमने स्नेल्स लॉ अप्लाई किया तो क्या आएगा, that n1 sin I that will be equal to n2 sin r1 आएगा यहाँ पे, क्योंकि फर्स्ट जो फर्स्ट मीडियम था उसमें कौन सा एंगल था, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और सेकेंड में था r1। तो एट पॉइंट r पे जब हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो सिमिलरली क्या आएगा, n1 sin e, क्योंकि अब ये जो n1 में था उसमें एंगल ऑफ इमरजेंस था, याद आया। और जो n2 था उसमें कौन सा एंगल था, r2, that is angle of reflection। इसमें भी अब हम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे इन दोनों में, that angle of incidence will be equal to angle of emergence। अब ये दोनों तो इक्वल हो गए, एंगल ऑफ इंसिडेंस तो इमरजेंस तो इक्वल है, तो मींस इनकी लेफ्ट हैंड साइड क्या हो गई, सेम हो गई। तो इनकी जो राइट हैंड साइड्स है इनको अब हम कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, n2 sin r1 will be equal to n2 sin r2। तो यहाँ से n2 के साथ n2 cancel, sin के साथ sin cancel, तो यहाँ से क्या आएगा रिजल्ट, r1 will be equal to r2। Take it as sixth equation। From थर्ड इक्वेशन क्या थी, that r1 plus r2 will be equal to a, ये थी हमारे पास थर्ड इक्वेशन। तो हम इसमें r1 और r2 को इक्वल पुट कर देंगे। इन थर्ड इक्वेशन वी पुट द वैल्यू ऑफ r1 फ्रॉम दिस सिक्स्थ इक्वेशन। तो यहाँ से क्या आएगा, r1 plus r2 था तो r1 r2 को इक्वल पुट कर देंगे थर्ड इक्वेशन में, तो r1 plus r1 that will be equal to a। तो यहाँ से 2r1 will be equal to a और r1 की वैल्यू क्या आ गई, a by 2। And now take this equation as seventh equation। Now we again apply Snell's law। तो हम अगेन Snell's law apply करेंगे at point Q। तो वो कौन सी वैल्यू थी वहां पे, that ये वाली, that n1 sin I will be equal to n2 sin r1। तो यहाँ पे I की और r1 की वैल्यू पुट करेंगे। I की वैल्यू क्या थी, फ्रॉम द फिफ्थ इक्वेशन I की वैल्यू थी दैट a प्लस डेल्टा m, दैट इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ I, और r की r1 की वैल्यू क्या थी, a बाय 2। तो यहाँ से n2 साइन a बाय
टू। तो अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, दैट एन टू विल बी इक्वल टू एन वन साइन ए प्लस डेल्टा एम के डिवाइड में आएगा टू, ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय टू डिवाइडेड बाय साइन ऑफ ए बाय टू। ये हमारे पास किसके लिए एक्सप्रेशन आया, एन टू विल बी इक्वल टू एन वन साइन ए प्लस डेल्टा एम डिवाइडेड बाय टू अपॉन साइन ए बाय टू। और ये जो एन वन है अगर हम इसे एन टू के नीचे लिखेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, एन टू अपॉन एन वन। तो ये एन टू अपॉन एन वन का एक्सप्रेशन आ गया। अब देखो एन टू अपॉन वन इट इसका मीनिंग क्या है, दैट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं एन टू वन, ये किसके इक्वल है, एन टू वन। सिंपल बेस एक्सप्रेशन को डिराइव करेंगे, एन टू अपॉन एन वन किसके इक्वल आ जाएगा, एन टू वन के, दैट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। ओके, इन दोनों को डिवाइड करके, तो सिंपली आप इसे एन से भी डिनोट कर सकते हो, दैट इज रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। सो ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, मींस किसका, रिफ्रेक्शन थ्रू अ प्रिज्म, उसके लिए हमने जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। हेयर ए इज द एंगल ऑफ प्रिज्म एंड डेल्टा एम इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन वेयर दिस एन इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म। That is all about this topic, that is refraction through a prism. Don't forget to like, share and subscribe to the Curious Learning for more such videos.